लेटर लिख रही है, ठीक है, पत्र लिख रही है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पत्र लेखन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पत्र लेखन, ठीक है। तो पत्र लेखन पढ़ाने से पहले ठीक यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि पत्र हमें क्यों लिखना होता है, क्या जरूरत है, हमें कौन सी स्थिति में पत्र लिखना होता है, लिखते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, पत्र लिखते समय हमें पत्र कैसे लिखना है, उसमें किस तरह से शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है, संबोधन कैसे लिखा जाता है, संबोधन में ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं, छोटे के लिए कौन सा शब्द आता है, बड़े के लिए कौन सा शब्द आता है, ठीक है, उसके बाद अभिवादन आता है, अभिवादन के लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है और पत्र का समापन कैसे किया जाता है। तो आज के इसमें हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों दोनों फॉर्मेट को देखने वाले हैं और दोनों फॉर्मेट के पूरे प्रारूप को देखने वाले हैं और एक एग्जाम्पल भी हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान देना है, सभी को ध्यान देना है यहाँ पे स्क्रीन पर। जैसा कि टीचर ने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें क्या करना होता है, विचार, अपनी भावनाओं या फिर मैसेज दूसरे तक पहुंचाना है, ठीक है। पत्र लिखकर हम अपने विचारों तथा भावों को क्या करते हैं, दूसरों तक, इसके पास दूसरों तक, ऐसा नहीं कि मुझे बात करना है तो मैं अपने आप को ही पत्र लिख लूं, है ना, और मैं ही खुद पढ़ लूं और मुझे मेरे ही बात समझ में, ऐसा नहीं। हम अपनी बात, अपनी राय या अपना संदेश से पहुंचाना चाहते हैं दूसरों को, पहुंचाना चाहते हैं किसे, पहुंचाना चाहते हैं दूसरों को, वो भी आसानी से। क्या शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर? आसानी से पहुंच जाए बिना किसी कष्ट के। यहाँ पर आसानी शब्द का अर्थ ये होता है कि आप जो भी मैटर आप पत्र में लिखोगे वो मैटर सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या बात करना चाहते हो, ठीक है। तो पत्र अपनी अपने विचार अपने भाव को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, वो भी कैसे, आसानी से, ठीक है, ऐसे आसानी से पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, ठीक है। मूल रूप से पत्र के कितने प्रकार हैं? मुख्य तौर पर, मूल रूप से तौर पर पत्र के दो ही प्रकार हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, एक औपचारिक, दूसरा दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनका हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, ठीक है, वो हमारा चाचा, मामा, भाई, बहन, बड़ा, छोटा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन वह उस पद पर है जहाँ पे हमें उनसे बात करनी है, हमारी समस्या वहां तक पहुंचानी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसे समस्या वहां से निकालना है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के सामने हमें, ऐसे व्यक्ति के लिए हमें क्या करना है, पत्र लिखना है जिनका हमारे साथ कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ठीक है। कार्यवश पत्र हमें लिखना होता है। औपचारिक पत्र किसे लिखना है? ऐसे व्यक्ति को हम लिखते हैं जिनका हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता लेकिन कार्यवश हमें पत्र लिखना होता है। ऐसे ही पत्र को हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को आप क्या कहते हो इंग्लिश में? क्या कहते हो? फॉर्मल लेटर। क्या कहते हो? फॉर्मल लेटर, ठीक है, संक्षिप्त में होना चाहिए, ठीक है, संक्षिप्त यानी छोटे में होना चाहिए, ठीक, छोटा पत्र होना है, कम से कम शब्दों में आपको क्या करना है, अपना पत्र लिखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, चलो ये बात तो समझ में आ गया, विषय क्लियर है, हमको लिखना है और कितना लिखना है, ठीक है। उसके बाद जब लिखते समय आप क्या करोगे, हाँ, जो भी आप शब्द का प्रयोग करोगे, जो भी आप वाक्य का प्रयोग करोगे, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, सरल भाषा में होने, सरल शब्दों में होना चाहिए, ओके, कैसे होना चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए। पहला पॉइंट, संक्षिप्त में होना चाहिए पत्र, दूसरा सरल और स्पष्ट भाषा का उसमें प्रयोग करना चाहिए। क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप पत्र लिखते हो तो उस समय अगर आपने स्पष्ट भाषा और सरल भाषा में अगर आपने नहीं लिखा, उसी में ही आपने अपने मदर टंग, उसके बाद आपने हिंदी, मराठी आदि सब चीज मिक्स कर दिया, तो क्या होगा कि वो नहीं समझ में आएगा पत्र। क्योंकि हो सकता है कि जिस भाषा में आप लिख रहे हो सामने वाला व्यक्ति वो भाषा को समझने में असहयोग रहे, या फिर वो भाषा उससे पता ही ना हो, तो आपको सबसे पहले वही भाषा का चयन करना पड़ेगा जो कि सामने वाला भी उस भाषा को अच्छी तरह से जानता हो, और तो और आपको उस पत्र में, मतलब क्या है, एकदम सरल स्पष्ट रूप में आपको क्या करना है, भाषा का प्रयोग करना है, और वाक्य छोटे छोटे बनाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे वाक्य में आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। उसके बाद बाईं ओर आपको पता और तिथि,
लिखनी होती है, और उसके बाद जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो भी आप जानकारी दे रहे हो, जो भी बात आप कहना चाहते हो पत्र में, जो बात, जो भाव, जो विचार आप भेजना चाहते हो, वह एक दूसरे के सिक्वेंस में हो, क्रमबंध में होना चाहिए। उसके बाद क्या चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, अनावश्यक चर्चा और दोहराना कोई भी बात। जैसे एक पैराग्राफ में उस बात को हो गया तो दूसरे पैराग्राफ में वही चीज को रिपीट नहीं करना है। तो अनावश्यक चर्चा जो कि वो विषय से रिलेटेड है नहीं, उसे और दोहराने वाली जो बात है उसे हमें क्या करना होता है, इसे पूरी तरह से अवॉइड करना होता है पत्र लिखते समय। तो ये 6 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है पत्र लिखते समय। ठीक है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और बाई और उसका पता चाहिए ताकि तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? तो सबसे पहले यहाँ पर अनौपचारिक केस में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, पत्र में प्रयुक्त होने वाले संबोधन, अभिवादन तथा समापन। ठीक है, तो जो पत्र होता है जिसमें हम संबोधित करते हैं, अभिवादन करते हैं और समापन करते हैं। संबोधित करना जैसे कि यहाँ पर जब हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, पत्र लिखते समय हम पता लिख दिए, पता लिखने के बाद अब हम स्टार्ट करें। यहाँ पे अनौपचारिकता की ओर ध्यान दो, हाँ, क्योंकि ये पत्र जिसके बारे में मैं बता रही हूँ अभी वो है अनौपचारिक। यहाँ पर संबोधन, अभिवादन और समापन कैसे होगा, ठीक है, समापन। संबोधन के लिए जैसे किसी बड़े व्यक्ति के लिए हम लोग, मतलब जो मेरे उम्र से बड़ा हो, ठीक है, उससे, उसके लिए जब हम पत्र लिखते हैं, जैसे चाचा जी हो गए, मामा, दादा दादी, हाँ, या फिर मम्मी पापा, उनके, उन्हें अगर हम पत्र लिखते हैं तो हम संबोधन, संबोधन के रूप में जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो है पूज्य, आदरणीय, ठीक है, पूजनीय, ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, संबोधन के लिए बड़ों के लिए पूज्य, आदरणीय, पूजनीय आदि ये शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो बड़े के लिए हो गया, कभी हम छोटे के लिए पत्र लिखते, छोटे भाई बहन, है ना, चचेरे भाई बहन जो छोटे हैं, और मित्र वर्ग जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें हम जब पत्र लिखते हैं तो उस समय हम क्या लिखते हैं संबोधन में, प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान या फिर आयुष्मती, आयुष्मान लड़के के लिए, आयुष्मती लड़की के लिए। ठीक है, प्रिय और चिरंजीव यह दोनों के लिए प्रयोग होता है। कहाँ पर? अनौपचारिक पत्र में जो संबोधन का स्थान होता है उस जगह पे आप ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को अनौपचारिक पत्र का? चैट बॉक्स में टीचर को यहाँ पर रिस्पॉन्स करना है।